कैसे हो? बढ़िया, आप? बढ़िया, तो सब बढ़िया। आज हम लोग जो है ना, वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस में अंतर। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी 12th के बच्चे हैं, उन सारे बच्चों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना। आखिर क्यों कंप्लीट करोगे? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है? तो इस तरह से दो कॉलम बना लेना, एक साइड श्वेत फास्फोरस लिखना, दूसरे साइड आप क्या लिखोगे? लाल फास्फोरस, ठीक है? तो चलिए, श्वेत फास्फोरस को वायु की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराओगे तो आपको पीला फास्फोरस प्राप्त होगा। श्वेत फास्फोरस को आप वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो पीला फास्फोरस आपको प्राप्त होगा। पहला पॉइंट में आपको ये लिखना है। दूसरा में देख लीजिए, ये श्वेत फास्फोरस का संरचना है। ये श्वेत फास्फोरस का क्या है? संरचना है। पहला पॉइंट में P4 वायु की उपस्थिति में रिएक्शन करा तो पीला फास्फोरस प्राप्त हुआ। वायु में आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। यानी पीला, ये श्वेत फास्फोरस ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करा तो पीला फास्फोरस प्राप्त हुआ। और आपका क्या बोलते हैं, श्वेत फास्फोरस का ये आपका क्या है? संरचना है, ठीक है? तो आइए, लाल फास्फोरस के पहला पॉइंट में आप लिखोगे, लाल फास्फोरस बहुलक के रूप में होता है। और लाल फास्फोरस जो है ना, किस रूप में होता है बाबू? बहुलक के रूप में होता है। जब बहुलक के रूप में होता है तो इनका संरचना देख लीजिए, ये आपका लाल फास्फोरस का संरचना हो गया, ये आपका श्वेत फास्फोरस का संरचना हो गया। पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि श्वेत फास्फोरस को वायु की उपस्थिति में रिएक्शन करा तो पीला फास्फोरस प्राप्त हुआ। वहीं लाल फास्फोरस में पहला पॉइंट में लिखोगे, लाल फास्फोरस बहुलक के रूप में होता है, ठीक है? दूसरे में लिखोगे इनका संरचना, आप देख लीजिए, ये श्वेत फास्फोरस का संरचना है और ये संरचना जो है आपका लाल फास्फोरस का है। चलिए, तीसरा पॉइंट में आप लिखोगे, ठीक है, श्वेत फास्फोरस में पी का संकरण जो होता है ना, पी का संकरण, श्वेत फास्फोरस में पी का संकरण आपका जो होता है, sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है, जिसके कारण इनके कोण का मान, जिनके कारण इनके कोण का मान जो है 109 डिग्री आपका 10.28 मिनट होता है। 109 डिग्री 10.28 मिनट, ठीक है? मिनट ना होकर, सॉरी, 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट ना होकर लगभग 60 डिग्री का होता है, ठीक है? याद रखोगे, श्वेत फास्फोरस का संकरण जो है ना, sp3 होता है, और sp3 संकरण होने के कारण इनके कोण का मान जो है ना, इतना ना होकर के 60 डिग्री का होता है, ठीक है? 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट ना होकर लगभग 60 डिग्री का होता है, जिसके कारण ये अत्यधिक तनाव, जिसके कारण ये अत्यधिक तनाव अत्यधिक सक्रिय होते हैं, और इसी के कारण जो है ना, ये अत्यधिक तनाव अत्यधिक सक्रिय होते हैं। कौन? श्वेत फास्फोरस। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है, श्वेत फास्फोरस में, तीसरा पॉइंट में लाल फास्फोरस में लिखोगे, लाल फास्फोरस बहुलक के रूप में होता है और यह बहुलक अत्यधिक कठोर होते हैं। लाल फास्फोरस में लिखना है तीसरा पॉइंट में, लाल फास्फोरस बहुलक के रूप में होता है और ये बहुलक अत्यधिक क्या होते हैं? कठोर होते हैं। साथ ही साथ श्वेत फास्फोरस की तुलना में कम तनाव, कम सक्रिय होते हैं। और साथ ही साथ आपको लिखना है कि ये श्वेत फास्फोरस की तुलना में कम तनाव, कम सक्रिय होते हैं। कौन? लाल फास्फोरस। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में लिखोगे श्वेत फास्फोरस की ओर, मोम की तरह मुलायम होते हैं। यानी श्वेत फास्फोरस जो होते हैं ना, मोम की तरह मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। श्वेत फास्फोरस जो है, मोम की तरह क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वहीं लाल फास्फोरस चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है। यानी श्वेत फास्फोरस को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वहीं जो है लाल फास्फोरस को आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता है। ये आपका जो है चौथा पॉइंट है, ठीक है? चलिए, पांचवा पॉइंट आप लिखोगे श्वेत फास्फोरस की ओर, गार्लिक स्मेल होता है। यानी श्वेत फास्फोरस में कैसा स्मेल होता है? गार्लिक स्मेल, यानी लहसुन की तरह गंध होता है। वहीं पे लाल फास्फोरस में नो स्मेल, लाल फास्फोरस में आप क्या लिखोगे? नो स्मेल। पांचवा पॉइंट में लिखना है बाबू, श्वेत फास्फोरस की और गार्लिक स्मेल होता है। यानी श्वेत फास्फोरस में गार्लिक स्मेल होता है और वही लाल फास्फोरस में क्या लिखोगे? नो स्मेल, किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है,
ठीक है। छठा पॉइंट लिखोगे, यह जहरीला होता है। कौन जहरीला होता है? श्वेत फास्फोरस जहरीला होता है, और लाल फास्फोरस जो है ना बाबू, यह जहरीला नहीं होता है। तो सिक्स पॉइंट में लिखोगे, यह जहरीला होता है श्वेत फास्फोरस की ओर, और लाल फास्फोरस की ओर लिखोगे, यह जहरीला नहीं होता है। चलिए सातवां पॉइंट देखते हैं। सातवां पॉइंट में लिखोगे, वायु में खुला रखने पर, यानी श्वेत फास्फोरस को वायु में खुला रखने पर जलने लगता है। यानी आप श्वेत फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ दोगे तो वो जलने लगेगा, तो इसीलिए आप लिखेंगे सातवां पॉइंट में, वायु में खुला रखने पर जलने लगता है। ये जो है ना, जेनॉन हेलोजन से अभिक्रिया, ये जेनॉन हेलोजन से अभिक्रिया कर पॉप साउंड देता है। यह जेनॉन जो है ना, हेलोजन से अभिक्रिया कर क्या देते हैं? पॉप साउंड देता है, अर्थात P4+Xe2 से अभिक्रिया कर पॉप आवाज होता है। ठीक है, इतना सा क्या करना है आपको, लिख देना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप लोग अच्छे बच्चे हो। तो क्या लिखोगे? वायु में खुला रखने पर जलने लगता है, ये जेनॉन हेलोजन से अभिक्रिया कर पॉप साउंड क्या करता है, देता है, अर्थात P4Xe2 से अभिक्रिया कर जो है ना पॉप आवाज होता है। ये इतना सा क्या करना, पॉइंट को लिख देना है। ठीक है, इसमें लिखोगे सातवां पॉइंट में, खुला रखने पर नहीं जलता है, यानी आप लाल फास्फोरस को खुला रखोगे तो नहीं जलेगा। इन्हें जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक यह अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस को जब तक आप गर्म नहीं करोगे तब तक अभिक्रिया नहीं करेगा। ये केवल Cl2 से अभिक्रिया करता है, ये केवल जो है ना Cl2 से अभिक्रिया करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, वो भी गर्म करने पर ही Cl2 से अभिक्रिया करता है, वो भी जो है ना गर्म करने पर ही Cl2 से अभिक्रिया करता है। सातवां पॉइंट इस प्रकार से क्या करोगे, श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस का लिखोगे। ठीक है, चलिए आठवां पॉइंट देखते हैं। आठवां पॉइंट में लिखोगे, यह जल में अघुलनशील है, यानी श्वेत फास्फोरस जो है ना जल में क्या है, अघुलनशील है, केवल CH2 विलायक में घुलनशील है। यानी श्वेत फास्फोरस जो है जल में आपका अघुलनशील है, और आपका CH2 विलायक में क्या है, घुलनशील है, तो केवल CH2 विलायक में ही घुलनशील है। कौन? श्वेत फास्फोरस। आपका लाल फास्फोरस जो है CH2 तथा H2O दोनों में क्या है, अघुलनशील है। यानी लाल फास्फोरस जो है ना CH2 और H2O दोनों में क्या है, अघुलनशील है। इस बात को आप क्या करोगे, याद रखोगे। चलिए नौवां पॉइंट लिखना है, इसके अंदर अत्यधिक कोणीय तनाव तथा अत्यधिक क्रियाशीलता है। ठीक है, लिखेंगे इसके अंदर जो है ना अत्यधिक कोणीय तनाव तथा अत्यधिक क्रियाशीलता है, इनका कारण P4 का कोण जो है ना लगभग 60 डिग्री का होना होता है। ठीक है, और ये समीकरण को क्या करोगे, लिख दोगे। ये आपका दसवां में, श्वेत फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा तो PH3 और आपको सहउत्पाद के रूप में NaH2PO2 प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे नंबर पॉइंट में, लाल फास्फोरस की और तुलनात्मक कम कोणीय तथा कम क्रियाशीलता होती है। इतना लिख करके आप दसवां पॉइंट में लिखोगे, लाल फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो H4P2O6 प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए लिखिए लिखिए नहीं सॉरी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो इनको आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका आंसर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करोगे, बाबू लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये क्वेश्चन देख रहे हो, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी 12th के बच्चे हैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, इसका क्या करना है, आपका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ले लीजिए, चलिए अच्छी बात है। चलो आज का क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।